हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं घर से बाहर शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मेरे घर से बिल्कुल पास में है और वहाँ होने वाले बहुत भारी संख्या में प्लैंथन। वहाँ जाने के लिए मुझे पास मिला हुआ है, पास के बिना एंट्री नहीं होगी। और देखो फ्रेंड्स, मेरी एंट्री भी हो गई है, मैंने शूट नहीं किया था और वहाँ मुझे मिली हमारे ग्रुप की कुछ आंटी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रुप की आंटी थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे इतने सारे पब्लिक है ना कि इतना सुंदर नज़ारा मैं पहली बार देखी हूँ। और आपने कभी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वहाँ ना ये सबको जैकेट मिला हुआ है एक जैसे ही। और मैं 10 नंबर गेट से अंदर एंट्री तो कर गई हूँ, लेकिन वहाँ से भी हमें एक पार्क जैसे है वहाँ एंट्री करना है। वहाँ भी हमें एंट्री करके सबकी लाइन बनी हुई है सबके नंबर के अकॉर्डिंग, वहाँ अपने अपने सीट पर जाके बैठना है। फ्रेंड, मेरी एंट्री हो गई है और मैं देखो मैं जा रही हूँ अपनी लाइन ढूंढने। जैसे हमारी J4 है हमारा लाइन, तो हम उस लाइन में जाके मैट बिछा के उसके लिए प्लैंक के लिए रेडी होना है। फ्रेंड्स, यहाँ आने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। फ्रेंड्स, यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे आने वाले हैं हमारे पूर्व इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव सर, और वहाँ उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ देखो कितने सारे लोग बहुत एक्साइटेड है, बच्चे बूढ़े सारे आए थे। और ये नए स्टेडियम है फ्रेंड्स, मतलब नज़ारा इतना सुंदर था ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। ये देखो सारे अपने अपने मैट बिछा रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मतलब ये हो रही है, यहाँ पे पेट्रियाटिक सॉन्ग पे ये डांस हो रहा है जो हमारे कुछ बॉयज़ गर्ल्स है। और ये रहे कपिल सर, जिनका वेलकम बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था फ्रेंड्स। और वहाँ पे ना मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या कहूँ मैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और प्लैंक होने से पहले नेशनल एंथम हुआ था, उसके बाद 1 मिनट का प्लैंक हुआ था। यानी ये 4000 लोग एक साथ प्लैंक करेंगे तो कैसा लगेगा, आप गेस कर सकते हो। देखो ये 4000 पब्लिक है, एक साथ प्लैंक हुआ है इनका। तो फ्रेंड्स, हमारा टाइम हुआ ख़त्म और अब हम जाएंगे घर। लेकिन घर जाने से पहले भी हमें यहाँ मिलेंगे कुछ और चीज़ें, आगे अब देखते जाइए कि क्या मिलता है। फ्रेंड्स, ये देखो सब प्लैंक हो गया, सारे बैठे हुए, इतना मज़ेदार सीन था ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। फ्रेंड्स, देखो ये मैट है, सबको अपनी अपनी मैट लेके जाना है, छोड़ना नहीं है। जिनके भी है उनको अपनी मैट लेके जाना। और ये एक आंटी मिली थी हमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक अंकल, मैं इनके साथ ही थी, इन दोनों के बीच में थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे इनसे मिल के। और ये हमें मिला मेडल, हमें नहीं, यहाँ जितने भी है सबको मेडल मिला और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो देखते हैं आगे सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है। और ये ब्रेकफास्ट में मिलेगा मुझे। फ्रेंड्स, अब मैं निकल रही हूँ, जहाँ से एंट्री हुई तो वहाँ से मैं एग्जिट हो रही हूँ। देखो मेडल पहन के तो ऐसा लगता है ना कि कुछ मैं जंग जीत के आई हूँ, ऐसा इतना प्राउड फील होता है ना। मैं पहली बार मतलब ऐसे अटेंड कर रहा था ऐसा फंक्शन, बहुत सुंदर बहुत। लेकिन मैं आई भी थी सुबह के 5:30 बजे। और ये देखो स्टेडियम बाहर से कितना प्यारा दिख रहा है, मैं अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे मिलेंगे मुझे ब्रेकफास्ट। देखो मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले जो मेरे टैग लगा हुआ है ना उस पर बी लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट पर वो टिक लगाएंगे, एक बंदे को एक बार ही ब्रेकफास्ट मिल सकता है। देखो मैंने ले लिया ब्रेकफास्ट, और इसमें सैंडविच, मैंने इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि मैंने कईयों को खाते हुए देखा है कि सैंडविच ही खा रहे थे। फ्रेंड्स, अब मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया और योगा मैट भी मिला, मेडल मिली, टी शर्ट मिली और सबको मिल गया, सारे बहुत हैप्पी थे। और मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था घर पे, टूटू थी अकेले पापा के पास, वो थोड़ी परेशान कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।